हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एनडीए नेट एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो फाइनली क्लोज हो चुकी है। सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद सितंबर या फिर अक्टूबर में हो जाएगा। ओके, सो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए। ओके, सो जो आज हम जो क्विज़ कर रहे हैं वो है क्विज़ 27। ओके, एंड टॉपिक नेम है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। जो क्विज़ नंबर 26 तक हमने यूनिट फर्स्ट एंड फिफ्थ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, और आज से हम यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन आइडियल कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। If considered together, the combination will be A. So, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक आइडियल कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स को हम एक आइडियल कॉन्स्टेंट करंट सोर्स के सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा। ओके, सो सी, हमसे पूछा है कि अगर हम एक वोल्टेज सोर्स को जो कि आइडियल है हमारे पास, उसको एक आइडियल करंट सोर्स के सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या होगा। सो अगर हमारे इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक करंट सोर्स होगा। ओके, सो ये जो है वो हमें एक रिज़ल्ट में एज ए करंट सोर्स दे रहा है, बिकॉज़ क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी एक सर्किट होगा उसके अंदर जो करंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ करंट सोर्स के कारण होगी, वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। सो सी, अगर हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो कैसे सोल्व होगा ये, कि अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और एंड एक करंट सोर्स जो है वो सीरीज़ में है तो हम इसको कैसे करेंगे सोल्व। तो इसको एक अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में एक से ज़्यादा अगर हमारे पास सोर्सेज हैं, आइडियल सोर्सेज हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही सोर्स काम में लेंगे। ओके, एंड जो दूसरा सोर्स होगा उसको हम अकॉर्डिंगली बिहेव करवाएंगे। ओके, सो अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, एंड अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, सो अगर हम करंट सोर्स को ले रहे हैं और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो ये सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह। ओके, सो ये जो वैल्यू हो जाएगी आर एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। ओके, सो ये हो जाएगा आर, वैल्यू हो जाएगी आई। सो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, आई, पूरे होल सर्किट में करंट हो जाएगी आई। ओके, अगर हम करंट सोर्स को ले रहे हैं एंड वोल्टेज सोर्स को ले रहे हैं और करंट सोर्स को ओपन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स को ले रहे हैं और करंट सोर्स को अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें कोई करंट सोर्स नहीं फ्लो होगी, तो करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। सो हमारे इस वोल्टेज सोर्स के कारण इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जो करंट सोर्स है इसके कारण जो करंट है वो फ्लो हो रही है। तो अगर हम इसको कंबाइंड करेंगे तो एक हमारी जो करंट आएगी वो टोटल करंट जो होगी वो आई हो जाएगी, सेम एज जो करंट सोर्स के कारण हो रही है। तो इसलिए हम अगर एक वोल्टेज सोर्स और एक जो करंट सोर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट में एक सिर्फ करंट सोर्स जो है वो वर्क करेगा, वोल्टेज सोर्स वर्क नहीं करेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा कांस्टेंट करंट सोर्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी, व्हेन एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स द कॉम्बिनेशन विल बी एन आइडियल कांस्टेंट सोर्स बिकॉज आइडियल करंट सोर्स इन सीरीज विद एनी एलिमेंट इज रिडंडेंट। सो इसका मैंने आपको बता दिया है। ओके, अगर हम वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट में एक करंट सोर्स मिलेगा। ओके, एक आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए नेटवर्क कंटेनिंग एक्टिव कंपोनेंट्स आउटपुट वोल्टेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। ऑप्शन बी इज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। ऑप्शन सी इज कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी इज विल बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। सो सी, अगर हम एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो एलिमेंट्स जो कि अपने पावर को डिलीवर कर सकते हैं अदर नेटवर्क्स में। ओके, सो
जो एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे उनमें इंटरनली एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है. ओके सो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो लेस देन और ग्रेटर देन कोई भी हो सकता है इनपुट वोल्टेज. सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ओके सो सी एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे. एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर टू द नेटवर्क और डिवाइसेस. ओके सो हमें पता है कि एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि पावर को डिलीवर कर सके अदर नेटवर्क्स में. ओके दिस एलिमेंट्स आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्पलीफिकेशन जिसके कारण कि जो उसके आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से कम भी हो सकती है और या फिर ज़्यादा भी हो सकती है. ओके सो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे एक्टिव एलिमेंट्स के, ओपैम्प हो जाएगा, बीजेटी हो जाएगा, यूजेटी हो जाएगा, एफईटी हो जाएगा एंड ओके एंड पैसिव एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे. पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ ओनली रिसीविंग द पावर, दे कांट डिलीवर द पावर. जो पैसिव एलिमेंट्स होंगे वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं पावर को, सिर्फ और सिर्फ मोस्टली ऐसे होते हैं जो रिसीव कर सकेंगे. ओके सो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड डायोड. ओके सो इनमें कोई भी इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड ए. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि सारे एलिमेंट फिजिकली सेपरेबल होंगे. मीन्स क्या होगा कि आर रेजिस्टेंस हमारा अलग होगा, इंडक्टर हमारा अलग होगा एंड कैपेसिटेंस हमारा अलग होगा. सो एक हमारा ऐसा एलिमेंट कौन सा, ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनको हम फिजिकली सेपरेबल होते हैं, जो उनको उसको हम लम्पड एलिमेंट बोलते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कौन से होंगे जिसमें कि ये फिजिकली सेपरेबल नहीं होंगे, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन. तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है हमारा, आर प्लस जे ओमेगा सी. तो ये फिजिकली नहीं है सेपरेबल. ओके सो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे जो फिजिकली सेपरेबल नहीं होते हैं जिसमें एलिमेंट्स. पैसिव नेटवर्क जो पावर को डिलीवर नहीं कर सकते, रिसीव कर सकते हैं. और एक्टिव नेटवर्क वो होंगे जो कि पावर को डिलीवर कर सकते हैं. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी, दैट इज लम्प्ड एलिमेंट. सो लम्प्ड नेटवर्क. ओके सो सी लम्प्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं. दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एलिमेंट्स विच आर स्मॉल इन साइज, दे आर इलेक्ट्रिकली सेपरेबल और वी कैन से दैट they are physically separable. okay for example resistance, inductance, capacitance, diode, transistor etc. and distributed elements are not electrically separated or we can say that these elements are not physically separated, they are distributed over its entire length of the circuit. okay so iska example ho jayega transmission line. okay next question is the VI characteristics ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन, द एलिमेंट इज. सो हमें एक VI करेक्टरिस्टिक दे रखी है एक सर्किट की. ओके सो हमें इस VI करेक्टरिस्टिक को देख के ये बताना है कि जो एलिमेंट है वो नॉन लीनियर है, लीनियर है या फिर एक्टिव है या फिर पैसिव है या यूनिलेटरल है या फिर बाइलेटरल है. तो वी नो दैट कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं. एक्टिव जो कि डिलीवर कर सकते हैं पावर और जो पैसिव होंगे वो जो कि डिलीवर नहीं कर सकते हैं पावर. ओके सो अगर हम एक्टिव और पैसिव देखेंगे तो एक्टिव में जो होता है वो एक इंटरनल एम्पलीफिकेशन देते हैं उसका, जो हम उसको पहचान कर सकते हैं कि जो हमारे VI करेक्टरिस्टिक एक्टिव है और पैसिव है कि जो एक्टिव है उनका जो है उसका नेगेटिव स्लोप होगा. एक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव स्लोप देंगे. ओके जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा. ओके और अगर हम शॉर्टकट से देखें तो अगर हमारा जो VI करेक्टरिस्टिक है वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो एक्टिव होगा. ओके और अगर फर्स्ट एंड थर्ड में होगा तो पैसिव होगा. और वी कैन से दैट, सिंपली वी कैन से दैट अगर हमारा जो एलिमेंट है उसका VI करेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो वो पैसिव होगा. अदरवाइज वो कौन से कोई भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट एंड सेकेंड हो, सेकेंड एंड थर्ड हो, ओके तो वो एक्टिव होगा. सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड में होगा तो पैसिव होगा, अदरवाइज एक्टिव होगा. ओके सो ये जो हमारा सर्किट, ये जो हमारा फिगर है वो फर्स्ट एंड सेकेंड में है. सो फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड में है. सो ये जो होगा हमारा एक्टिव हो जाएगा. ओके सेकेंड इज लीनियर और नॉन लीनियर. तो लीनियर जो होगा वो क्या होगा कि वो जिनमें जिनकी VI करेक्टरिस्टिक्स में एक लीनियर रिलेशनशिप शो होगी और जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा. ओके और अगर हम शॉर्टकट से देखें तो एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है उसको हम लीनियर बोलेंगे. ओके सो ये जो होगा वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो ये लीनियर नहीं है, ये होगा नॉन लीनियर. ओके
सो थर्ड इज यूनिलैटरल और बाइलैटरल. सो बाइलैटरल वो होंगे जो जिसका जो वीआई रिलेशन है वो दोनों क्वाड्रेंट में सेम होगा. ओके सो सेकंड एंड अगर सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं तो सेम होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ की बात कर रहे हैं तो सेम होगा. तो ये जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल. ओके सो हमारा जो इस सर्किट है वो क्या होगा, नॉन लीनियर, एक्टिव और यूनिलैटरल. ओके सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर. ओके सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर. ओके सो सी, अगर हम एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर टू द नेटवर्क और डिवाइसेस. एक्टिव एलिमेंट्स आर हैव नेगेटिव स्लोप विच इज अवेलेबल इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके और वी कैन से दैट अगर फर्स्ट एंड थर्ड में है तो वो पैसिव होगा, अदरवाइज कोई भी क्वाड्रेंट में होगा तो वो एक्टिव होगा. ओके सो फॉर लीनियरिटी, ए लीनियर एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच हैज़ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. When element follows Ohm's law, then it is known as linear element. The given figure doesn't have linear relation, so it is non-linear. So, or we can say that अगर हम shortcut से देखेंगे तो क्या होगा कि अगर एक ऐसी line VI relationship बोल सकते हैं हम जो कि origin से pass हो रहा है उसको हम linear बोलेंगे. Okay? So, next is for unilateral, when element have properties that they depend on the flow of direction of current is called unidirectional element. इन यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट वी आई रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट. सो ये जो है वो डिफरेंट है, उसकी जो सेम नहीं है, तो इसलिए ये यूनिलैटरल हो जाएगा. ओके सो द गिवन फिगर इज एक्टिव, नॉन लीनियर एंड यूनिलैटरल. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट फॉलोइंग थ्रू द वोल्टेज शोज इन द सर्किट शोन बिलो इज. सो सी, हमें एक सर्किट दे रखा है एंड हमसे पूछा गया है कि 3 वोल्ट सोर्स के कारण ये जो वोल्टेज सोर्स है उसमें जो करंट है वो कितना फ्लो होगा. ओके सो सी, जो करंट होगी वो क्या फ्लो होगी, इसमें में जो करंट फ्लो होगी, टोटल करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, आई वन प्लस में दैट इज 0.25. ओके सो आई वन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि अगर हम इसको करंट में देखेंगे तो हमारा वी अपॉन आर होता है, तो 3/4. ओके सो 3/4 क्या हो जाएगा, 0.75 एंड हम इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा. सो हमारी टोटल करंट हो जाएगी ऑप्शन ए दैट इज 1 एम्पियर. सो सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर. सो सी, अगर हम आई निकालेंगे यहाँ पे तो आई क्या हो जाएगा, 3/4 एंड टोटल करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज सोर्स के कारण आई वन दैट इज 0.75 एम्पियर प्लस 0.25 एम्पियर. ओके सो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स. सो लिस्ट 1 में हमें क्वांटिटीज गिवन है एंड लिस्ट 2 में हमें इनकी यूनिट्स गिवन है. सो हमें इन क्वांटिटीज को इनकी यूनिट से मैच करना है. ओके सो सी, अगर हम एक टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय आर. ओके इंडक्टेंस के लिए एंड हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम कांस्टेंट होगा आर सी. तो हम टाइम कांस्टेंट को उसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी सेकंड. ओके सो आर सी सेकंड होगा, बट हमें यहाँ पे एम लिस्ट 1 में आर बाय एल गिवन है तो ये आर बाय एल सेकंड इनवर्स हो जाएगा. ओके सो ए जो होगा 4 हो जाएगा एंड सी जो है वो 1 हो जाएगा. ओके अगेन हम अगर 1/LC की बात कर रहे हैं तो 1/LC हम वी नो दैट जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है 1/LC होती है. ओके सो 1/√LC होता है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है 1/√LC होता है, तो इसको हम रेडियन पर सेकंड से कर सकते हैं. तो बी जो होगा वो 3 हो जाएगा एंड एल बाय सी का जो √LC जो होता है वो ओम होता है. ओके सो ये हो जाएगा 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4312 दैट इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. ओके सो सी, टाइम कांस्टेंट एल बाय आर एंड आर सी मेजर इन सेकंड्स एंड जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 1/√LC मेजर इन रेडियन पर सेकंड्स एंड √LC इज दैट इज आर मेजर इन ओम्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन. सो अवर असर्शन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट ए क्लोज्ड पाथ इन ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए सिंगल डायरेक्शन इज 0. या दिस इज ट्रू बिकॉज वी नो दैट
किरचॉफ्स लॉ जो है वो टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि अगर एक क्लोज्ड पाथ है एक नेटवर्क में, तो उसका जो जितने भी वोल्टेजेस होंगी उसका जो अल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। ओके, सो रीजन हमें क्या गिवन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द बेसिस ऑफ दिस लॉ। दिस रीजन इज रॉन्ग बिकॉज इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा कि जो जिस लॉ को फॉलो कर रहा है ये, वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। और जो करंट लॉ होगा वो चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करेगा एंड जो वोल्टेज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी वट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट स्टेट दैट एनी एट एनी इंस्टेंट द अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ और लूप विद इन ए नेटवर्क इज जीरो, इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। सो सी, अगर हम एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें एक रजिस्टेंस है जिसकी वोल्टेज वी आर है, एक इंडक्टर है जिसकी वोल्टेज वी एल है एंड एक कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज वी सी है एंड एक वोल्टेज सोर्स है, अगर इसमें हम के वी एल अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें किस तरीके से हम के वी एल अप्लाई करेंगे, हम इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। अगर जो करंट है वो माइनस टू प्लस जा रही है तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो माइनस से प्लस हम लेके जा रहे हैं तो इसको हमने प्लस मान लिया। ओके, सो सी, अगर हम इसको प्लस मानेंगे तो हमारे जो माइनस से प्लस जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा वी एस। ओके, नेक्स्ट इज प्लस से माइनस जा रहा तो माइनस वी आर। ओके, अगर प्लस से माइनस जा रहा तो माइनस वी एल, प्लस से माइनस जा रहा तो माइनस वी सी इज जीरो, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज जीरो। ओके, अगर हम प्लस से माइनस को प्लस ले रहे हैं तो हमारा जो माइनस से प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, सो के वी एल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लंप्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वैलिड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो लंप्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट कौन कौन से होते हैं, जो कि जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फिजिकली सेपरेबल होंगे। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटेड में जो होंगे वो फिजिकली सेपरेबल नहीं होंगे। ओके, राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्किट शोन इन द फिगर वन इज रिप्लेस्ड बाय दैट इन फिगर टू, इफ करंट आई रिमेन्स द सेम देन आर नोट विल बी। सो हमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें हमें ये बोल रखा है कि जो फिगर वन जो है उसको रिप्लेस किया है हमने फिगर टू से। ओके, सो उसमें जो आई है, करंट आई है वो सेम है, तो आर नोड जो है वो एक एक्स्ट्रा एडेड है फिगर टू में, तो उस आर नोड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो सी, अगर हम सबसे पहले हम फर्स्ट जो है उसका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें तो उस आर इक्विवेलेंट के का जो फिगर टू होगा उसके आर इक्विवेलेंट से इक्वल होगा। ओके, सो हम इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो सी, अगर हम इसके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे ये पैरेलल में है तीनों, तो हमारा पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन 32R प्लस वन अपॉन 16R प्लस वन अपॉन 8R। ओके, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 32R हो जाएगा हमारा एलसीएम, 32R हमारा जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर हम इसको लेंगे तो ये 1 प्लस 2R प्लस में, सॉरी 2 प्लस में 4 हो जाएगा, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 7 बाय 32R। सो अगर हम इसको सिंपल R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 32R बाय 7। सो सी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे हम, सी अगर हम फर्स्ट फिगर को सोल्व कर रहे हैं तो उसका जो आर डैश इक्विवेलेंट होगा वो 32 बाय आर बाय 7 आ जाएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया। अगर हम फिगर टू को सोल्व कर रहे हैं तो ये तीनों पैरेलल में है, सिमिलरली हम उसको सोल्व करेंगे 1 बाय आर, इसको इस बार हम इसको आर डबल डैश इक्विवेलेंट लेंगे तो 1 बाय 4R प्लस 1 बाय 2R प्लस 1 बाय आर हो जाएगा एंड इसका जो आर डबल डैश इक्विवेलेंट हो जाएगा 4R बाय 7 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका जो टोटल आर डैश डबल डैश इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, आर नोड प्लस आर डबल डैश इक्विवेलेंट। ओके, एंड ये होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा आर डैश इक्विवेलेंट के, क्योंकि ये दो ये जो है फिगर टू है वो फिगर वन को रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो आर नोड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4R। ओके, गॉट इट। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 4R, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पाई नेटवर्क ऑफ फिगर वन एंड
टी नेटवर्क ऑफ फिगर टू आर इक्विवेलेंट देन द वैल्यूज ऑफ आर वन एंड आर टू एंड आर थ्री विल बी रिस्पेक्टिवली. सो सी, हमें एक फिगर दे रखा है जिसमें हमें पाई नेटवर्क दे रखा है, ओके, एंड एक टी नेटवर्क दे रखा है. तो पाई नेटवर्क में हमें वैल्यूज दे रखी हैं एंड टी नेटवर्क की आर वन आर टू एंड आर थ्री की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. तो टी नेटवर्क को ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो हमें एक पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क में इसको कन्वर्ट करना है. सो सी, अगर हम देखें तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम डेल्टा टू स्टार मेथड बोलते हैं. तो हमारा डेल्टा जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ओके, एंड इसको हम पाई नेटवर्क बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके, एंड इसको हम अगर जैसे हमें इसकी लेट हमें इसकी वैल्यू जो है वो आर ए आर बी आर सी हो गई, ओके. तो अगर हम इसको एक स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ओके, जिसकी वैल्यू जाएगी आर वन आर टू एंड आर थ्री. तो ये जो स्टार है हम टी नेटवर्क से भी इसको शो कर सकते हैं, दैट इज़ कुछ इस तरह, जिसको हम यहाँ पे आर वन ये हो जाएगा आर टू एंड ये हो जाएगा हमारा आर थ्री, ओके. सो स्टार नेटवर्क है वो टी नेटवर्क के इक्विवेलेंट है एंड जो डेल्टा नेटवर्क है वो पाई नेटवर्क के इक्विवेलेंट है, ओके. सो सी, अगर हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे तो किस तरीके से होगा. सो सी, अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये वैल्यू जाएगी आर ए, ये हो जाएगा आर बी, ये हो जाएगा आर सी, और ये वैल्यू जाएगी हमारे पास आर वन, ये हो जाएगा आर टू एंड ये हो जाएगा आर थ्री. तो अगर हम आर वन का निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या हो जाएगा, आर वन इज आर ए डॉट आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ओके. सो अगर हम R2 में देखेंगे, R2 देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आर ए डॉट आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ओके. अगर हम R3 देखेंगे तो ये हो जाएगा आर बी डॉट आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ओके. सो ये तीनों के फॉर्मूले हो जाएंगे. और सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पाई नेटवर्क है, टी नेटवर्क है, तो हमारे R1 कुछ हम जो टी नेटवर्क है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ओके. यहाँ पे ये आर वन हो जाएगा, ये आर टू हो जाएगा और ये आर थ्री हो जाएगा. सो सी, अगर हम कुछ इस तरीके से इसमें ये टी नेटवर्क जो है वो अप्लाई कर दें तो ये आर थ्री हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा एंड ये आर टू हो जाएगा. सो आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, आर ए इंटू आर बी, दैट इज 24 × 16 अपॉन में 24 + 16 + 24, ओके. सिमिलरली अगर हम आर टू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 24 अपॉन में 24 + 24 + 16. सिमिलरली हम आर थ्री की बात करेंगे तो 24 × 24 अपॉन में 24 + 24 + 16, ओके. सो सी, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम कुछ R1 को जैसे मैंने आप लोगों को बताया 24 / 16, क्योंकि R1 जो होगा वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट है यहाँ पे, तो 24 × 16 अपॉन में 24 + 16 + 24, दैट इज 6 ओम. R2 जो होगा वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 16 × 24 अपॉन में 24 + 16 + 24, दैट इज 6 ओम. अगेन हम R3 की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में है ये, तो 24 × 24 और इन तीनों का ऐड हो जाएगा, दैट इज 64, दैट इज 9 ओम. सो हमारा आंसर हो जाएगा 669 ओम, ओके. सो 669 ओम, दैट इज ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ओके, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सर्किट गिवन बिलो, फॉर R इज इक्वल टू 20 ओम द करंट I इज 2 एम्पियर पेयर वेन वेन आर इज 10 ओम द करंट आई वुड बी. सो सी, एक सर्किट हमें गिवन है जिसमें दो नेटवर्क्स हमें गिवन है यहाँ पे, ओके. सो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि 20 ओम रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा आई है वो 2 एम्पियर है, ओके. अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 10 ओम कर दें तो हमारा आई जो है वो क्या होगा, ओके. सो ये जो हमें फिगर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करंट बतानी है कि अगर 10 ओम रेजिस्टेंस पे हमारा करंट क्या होगा, ओके. सो ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहे हैं. ओके सो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट क्विज में दूंगी. ओके सो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. ओके सो दैट्स इट. सो स्टूडेंट्स आपके जो यूनिट वन है यूनिट टू के जो नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस के वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं. आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं. एंड जो उसका लिंक है वो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. ओके सो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं. सो थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.